नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। रीवा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी गांजे की एक बड़ी खेप रीवा आ रही है। आईजी ने अपनी टीम को लगाया, सिलपरा के पास नाकेबंदी की गई, उधर से एक कंटेनर आता हुआ दिखा जिसको रोका गया, जिसके अंदर लगभग 2.25 करोड़ रुपए का गांजा था। 15 क्विंटल से ज्यादा गांजा पुलिस ने बरामद किया, साथ ही एक बेलेनो कार को भी उसने पकड़ा है। कंटेनर की कीमत 50 लाख आंकी गई है, बेलेनो की कीमत 6 लाख आंकी गई है, लगभग 2.25 करोड़ रुपए का गांजा। इस तरीके से 2.81 करोड़ रुपए की एक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गाड़ी सहित गांजा को पुलिस ने बरामद किया। आईजी रीवा ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को इसके बारे में जानकारी दी। आइए आपको दिखाते हैं आईजी रीवा ने क्या कुछ कहा। कि पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार में लिप्त व्यक्तियों को बिल्कुल उनके पीछे पड़ के ये पूरा दृष्टिबद्ध किया जाए। इसी तात्पर्य में रीवा जोन में भी 4 दिनों में लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है, मगर रीवा ने पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्रवाई करने में हर बार विश्वास किया है। और अलाहाबाद से जो वहाँ के कोरेक्स हो या मेडिकल का टैबलेट्स हो या गांजा उड़ीसा के यहाँ से हो, लगातार कार्रवाई करता रहा। ऐसे ही कुछ पुराने मामलों में जो हम लोगों ने इंटरोगेशन के दौरान कुछ जानकारियाँ मिली थी, जिस पर से मेरे कार्यालय में ये नारकोटिक्स का इंटेलिजेंस का टीम गठित किया गया था। पिछला बार जैसे मैंने आपको बताया था, द्वारा गांजा में लिप्त कारोबार हो रहा है तो उसकी तस्दीक किया जाता है, फिर उसका आंकलन करके क्या ये लोग सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद संबंधित एसपी को जानकारी दिया जाता है। ऐसे ही कल जानकारी एक पुलिस मेरे कार्यालय को मिला था, जिसमें मैंने पुलिस अधीक्षक रीवा राकेश सिंह को और डीआईजी को बताया गया था। पूरा पुलिस अधीक्षक रीवा, डीआईजी रीवा को और उनके टीम को मैं बधाई देता हूँ कि ये गांजा यहाँ पर उतर के वितरित होने से पहले ये अपराधियों को गिरफ्तार करके पूरा का पूरा माल बरामद किया है। ये गांजा जो है उड़ीसा से निकल के, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के रास्तों से निकल के कई जिलों पार होते हुए यहाँ पर आया है। और अभी आप लोग नीचे देखोगे जो ट्रक है ना, उस ट्रक में अगर मूलतः देखोगे उसमें कोई और सामान भरा हुआ रहता है, और गांजा कहां पर छुपा रहता भी जानकारी मिलती नहीं है। जब तक हम लोगों ने पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क और मुखबिरी तंत्र तगड़ा ना हो तो ये काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। ये और एक ही प्रतीक है कि ये इनका जो मुखबिर तंत्र है ये बहुत सक्रिय है ना। ये कुल गांजा, अभी कुल आरोपी हमारे पास 6 आरोपी मिले हैं, और गांजा 15 क्विंटल 50 ग्राम, गांजा कुल कीमती 2.25 करोड़ का बरामद हुआ, जिसमें एक बोलेरो कार क्रमांक MP17CC6001 कीमती 6 लाख रुपए का, और एक कंटेनर यूपी का ये AN5455 कीमती करीबन 50 लाख रुपए का, और 5 नग मोबाइल कीमती करीबन 14,000 रुपए का भी इसके साथ बरामद किया गया। इसमें कुल 6 आरोपी हैं और इन लोगों से अभी पूछताछ जारी रहेगा, और इन लोगों के साथ और कौन कौन है जो इंटरोगेशन में जैसे विवेचना में मिलते रहेगा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।